नमस्कार, आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद चतुर्वेदी जी उपस्थित है। आज सुजला वायर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 5 तारीख को अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन है, तो विश्व हिंदू परिषद क्या क्या आयोजन कर रहा है 5 तारीख को? 5 तारीख को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है और पूरे विश्व में जो है हर जाति हर समाज में उत्साह का माहौल बना हुआ है। और 5 तारीख को विश्व हिंदू परिषद एवं संपूर्ण सारे हिंदू संगठन तथा पूरा हिंदू समाज मिलकर के और दीपावली की तरह जो है हर हिंदुस्तान की गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जो है जिस प्रकार से दीपावली में जो है दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से आपको ये नज़ारा पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा कि सभी जो है अपने अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे और खुशियां मनाएंगे, फटाके छोड़ेंगे और भगवान श्री राम की आरती अपने घरों में करेंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवक जो है वो गांव गांव ढाणी ढाणी ये सभी को मैसेज देने के लिए जो है लगे हुए हैं कि हमें इस बार जो है दीपावली 5 तारीख को मनानी है। लेकिन जैसा कि आपने मीडिया में पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान की जिन जिन पवित्र स्थानों की जो भूमि मिट्टी रज उनको जो है विश्व हिंदू परिषद ने, क्योंकि ये जो राम मंदिर का जो सपना साकार होने जा रहा है, इस आंदोलन में हिंदुस्तान की गांव गांव ढाणी ढाणी में हिंदू समाज ने एक सौगंध खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो सौगंध जो हिंदू समाज ने ली थी गांव गांव ढाणी ढाणी से, उस सौगंध के पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है जितने भी जहाँ जहाँ पवित्र मठ मंदिर पूजा स्थल पवित्र नदियाँ उन पवित्र नदियों का जल और पवित्र स्थानों की मिट्टी जो है विश्व हिंदू परिषद के जरिए 5 तारीख को जो नींव का मुहूर्त होगा उसमें जो है अर्पित की जाएगी और हिंदुओं का स्वाभिमान पुनः एक बार जो है जाग उठा है। और मैं ये सभी से और एक बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को न कि नागौर जिला न कि राजस्थान, पूरा देश पूरे देश के साथ साथ करीब 40 देश जो है इस नींव जो मुहूर्त जो नींव का होने जा रहा भूमि पूजन जो होने जा रहा है लाइव टेलीकास्ट देखेंगे तथा सभी जो है जितना जिस तरीके से उत्साहवर्धन कर सकते हैं राम नाम जो है जप करेंगे, घरों में पूजा करेंगे और इस बार की दीपावली 5 तारीख को होगी। जय श्री राम। कुछ लोगों की धारणा है कि विश्व हिंदू परिषद का निर्माण राम मंदिर के आंदोलन के लिए किया गया था, तो अब राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, तो अब इस विश्व हिंदू परिषद का क्या औचित्य रह जाएगा? ये जो धारणा जिन जिन व्यक्तियों की है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का गठन जो है वो केवल राम मंदिर आंदोलन के लिए ही नहीं हुआ है। विश्व हिंदू परिषद का गठन 1966 में हुआ है और आज़ादी के बाद जो अपना संविधान जो है जिसमें धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं के साथ जो अन्याय अमानवीय कृत्य तथा शोषण धर्म परिवर्तन अनेक इस प्रकार की जो घटनाएं हुई थी, तो उनसे उनका सामना करने के लिए 1966 में द्वितीय संचालक जी ने जो है विश्व हिंदू परिषद का जो है एक हिंदुओं का संगठन जो हो इस आशय से इसका गठन किया तथा
विश्व हिंदू परिषद का मूल वाक्य जो है वो है शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार, तथा इसके साथ ही साथ धर्मो रक्षित रक्षति। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। मूल विश्व हिंदू परिषद का ये धैर्य है, तथा वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ इसकी दो इकाइयां भी काम कर रही हैं, जो मात्र शक्ति के रूप में दुर्गा वाहिनी तथा देश के नौजवान हिंदू नौजवानों का बजरंग दल। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा दुर्गा वाहिनी मिलकर के और वर्तमान में हिंदू समाज के साथ यह खड़ा है, तथा वर्तमान में केवल राम मंदिर आंदोलन ही नहीं, गौरक्षा का आंदोलन भी हो रहा है। गौरक्षा के साथ साथ मंदिर मठ की सुरक्षा, इसके साथ संत समाज के स्वाभिमान की रक्षा तथा अन्य प्रकार के भी मातृशक्ति के साथ जो लव जिहाद, उसका विरोध, हिंदुओं का जो धर्मांतरण जो हो रहा है उसका विरोध, और हिंदुओं के साथ जितना भी जिस प्रकार से कोई गलत करते, कोई शोषण अमानवीय कोई किसी प्रकार का करते करेगा, तो विश्व हिंदू परिषद 1966 से लेकर के आज तक लड़ता आया है, तथा हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए निरंतर लड़ता रहेगा। परवीन भाई तोगड़िया, जो कि राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन में जिन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, आज निर्माण समिति ने उनको बिल्कुल मुहूर्त पे याद ही नहीं किया, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हो? परवीन भाई तोगड़िया, जिनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता था, विश्व हिंदू परिषद ने परवीन भाई तोगड़िया को मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन परवीन भाई तोगड़िया स्वयं जो है इस संगठन को छोड़ करके गए हैं, तथा ये प्रसंग मैंने नहीं, एक प्रमुख पदाधिकारी ने एक कार्यक्रम में मोहन जी भागवत से पूछा कि परवीन भाई तोगड़िया ने जो है संघ के अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद को छोड़ करके और एक अन्य संगठन बना लिया है, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? तो मोहन जी भागवत जी ने ये कहा था कि एक वृक्ष होता है, और यदि वृक्ष की कोई डाली टूट करके अलग हो जाती है तब वो कब तक हरी रह सकती है? तो ज़्यादा दिन तक वो हरी नहीं रह सकती। परवीन भाई तोगड़िया का आज भी यदि वो विश्व हिंदू परिषद में आते हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, और परवीन भाई तोगड़िया ने जो हिंदुओं के लिए, राम मंदिर के लिए जो अन्य कार्य जो किए हैं वो बहुत ही सम्मानीय है, लेकिन यदि वो संगठन के नीति रीति व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमारे संगठन में संगठन बड़ा होता है, या व्यक्तिवाद नहीं चलता है, या संगठन की रीति नीति और सिद्धांत पे जो व्यक्ति काम करता है तो वो संगठन जो है उसको उसी प्रकार से मान सम्मान देता है। तो प्रवीण भाई तोगड़िया को आज आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वो संगठन से बड़ा व्यक्ति मानने लगे थे इसलिए आज उनको आमंत्रित नहीं किया है। इसके अलावा जो बड़े पदाधिकारी है वही इसका सही जवाब दे सकते हैं, मैं तो केवल एक जिले का छोटा सा पदाधिकारी हूँ, इतना ही जो है मेरे विचार में अभिव्यक्त कर सकता हूँ। राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन में किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका रही है, आप किन किन को याद करना चाहोगे? राम मंदिर आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन जिन की रही है, और जहाँ तक मेरे स्मरण में है, तो आज मैं प्रमुख रूप से दिवंगत पुण्य आत्मा अशोक जी सिंगल को याद करना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में 1984 से लेकर के आजीवन जो है उन्होंने
राम मंदिर आंदोलन में जो है गति दी और नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन साथ ही साथ में राम मंदिर आंदोलन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लाल कृष्ण जी आडवाणी, मुरली मनोहर जी जोशी, उमा भारती, उसके साथ साथ जो है रितमरा जी तथा तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, और इसके अलावा जो मुख्य रूप से अनेक जो है विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी और तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान के गांव गांव ढाणी ढाणी के हर व्यक्ति ने जो है इस राम मंदिर के आंदोलन में प्रमुख योगदान और महत्ता अपनी भूमिका का और अपने कर्तव्यों का जो है निर्वाह करते हुए सभी ने जो है सहयोग दिया है, इसलिए मैं सभी को जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। 5 तारीख के राम मंदिर के इस भव्य आयोजन में हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आपके चैनल को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल में भी भूमि पूजन और राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से उत्साह नजर आ रहा है और मेरी बात जो है आम हिंदुस्तानी तक आपने पहुंचाने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं तथा आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा मैं ये मैसेज ये संदेश हिंदुस्तान के ही नहीं तमाम विश्व के हिंदुओं के लिए देना चाहता हूं कि समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं 5 तारीख को हिंदू स्वाभिमान के जगने का एक दिन है। हम सभी हिंदू जहाँ जहाँ जिस जिस मोहल्ले में जिस जिस स्थान पर रह रहे हैं, हमारे आसपास जो भी मंदिर है, तमाम मंदिरों की चाहे वो किसी भी देवी देवताओं के मंदिर हो, उन सभी मंदिरों को हम सजाएंगे तथा हम हमारे घर पे जिस प्रकार से दीपावली के पूजन को लेकर के हम नए कपड़े पहनते हैं, उत्साहित रहते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से 5 तारीख को सायकाल सभी अपने घरों पे जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे, भगवान श्री राम की आरती करेंगे और भगवान का जैसा कि काज जो हनुमान बिना नहीं हो सकता, तो हनुमान बाबा हनुमान जी को सभी हम याद करेंगे, हनुमान चालीसा पाठ का हम वाचन करेंगे, हनुमान जी की हम आरती गाएंगे और सभी धूमधाम से जो है 5 तारीख के दिन और सायकालीन को हम सबको जो है इस दिन को इतिहास में जो है राम मंदिर 500 साल के बाद जो ये अपना सपना साकार होने जा रहा है, तो आप सभी जो है इसको धूमधाम से मनाएं और पूरे विश्व को इस प्रकार का एक संदेश दीजिए कि जो है भगवान श्री राम हिंदुओं के प्रमुख आस्था का केंद्र है और राम मंदिर का निर्माण से जो है हिंदू बहुत प्रसन्न है।